नहीं जाता। मुझे आज से कोई 28-30 वर्ष पहले एक इटालियन फिल्म कंपनी यहाँ आई थी शूटिंग करने के लिए, और वो हम भावलपुर में शूटिंग कर रहे थे। मैं उनके साथ था इंटरप्रेटर के तौर पे, तर्जुमान, क्योंकि वो इटालियन बोलते थे, यहाँ बोली नहीं जानता था मैं, तर्जुमा कर करके साथ साथ बताया जाता। उन्होंने भागते हुए ऊंटों के पाँव के क्लोजअप शॉट लेने थे, जमीन खोद के कैमरा अंदर रखा था, ऊंट तेज से भागते, डाकू डाकू लेके सामान भागा था पीछे सरकार के ऊंट लगे हुए थे। ऊंटों की दौड़ बड़ी खूबसूरत थी, तो वहां बहुत से लोग देखने के लिए तमाशा आ जाते थे। तो मेरे जो डायरेक्टर थे सीनियर दांडी, वो हमेशा मुझे कहते रहते थे कि प्रोफेसर मैं ग्वारदा हूं ना कौसा ई अभिजान यू उन फकीर हो, मुझे एक फकीर की जरूरत है, मुझे ऐसा मिल जाए जो बड़ी लटें छोड़ी हुई हो मंदरे पहने। मैंने कहा जी वो पाजमल थे उस जमाने हमारे साथ, मैंने कहा जी ये फकीर का रोल बड़ा अच्छा कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं एक्टर नहीं चाहता, एक्चुअल सचमुच का बंदा मुझे मिला तो बस मेरा दिल। मैंने कहा जी देखते हैं, तो एक आध बंदा देखा वहां, वो कहते नहीं ये सर। तीसरे दिन जब हम ये शॉट ले रहे थे ऊंटों के भागने का, तो वहां एक शूटिंग देखने के लिए एक मलंग सा बंदा, लंबे कद का, 6 फुट 1 इंच लंबे, उसके बाल, हाथों में अंगूठियां 18-18, मणके बेशुमार, आंखें उसकी पीली, नाक उसकी हॉक की तरह से जैसे अक्यूलाइन नोज जैसे कहते हैं। तो वो जनाब आके खड़ा हुआ शूटिंग देखते, मैंने कहा सीनियर दांडी गुआरदा उनको वे निकुआ मैं जल्दी आए, भागते आए, मैंने एक बंदा पकड़ा है आपके लिए। जब उन्होंने देखा तो चीख मारी खुशी की और उसको जाके जफ्फी डाली, कहते ये तो मेरा मनसाय मकसूद था, इसी आदमी की तलाश में मैं फिरता था, तो आज ये कैसे मिल गया। मैंने कहा जी खुद ही आ गए। कहने लगे इसको कह दो जल्दी से कि 4 रोज के बाद हम तेरी शूटिंग करेंगे और इसका रोल इसको समझा दो कि ये डाकुओं का एक सरगना है, और बाकी 8-10 दिन हम यहाँ करेंगे, बाकी की यूरोप में करेंगे। तो मैंने उससे कहा कि पावा, कहना पा जी मैंने तो बोली नहीं आती फिलहाली, मैं कहा तू परवाह ना कर, तेरे साथ यहाँ से बंदा जाएगा, शूटिंग वहाँ करवाएगा, वहाँ तो ये होटल में रखेंगे सब ऐसे के साथ। उन्होंने कहा लो जी कमाल होगी, अल्लाह ने सुन लिया मेरी फकीर की, चला गया। 4 दिन के साथ प्यारे बच्चे उसके साथ तय था कि वो शूटिंग के लिए आएगा। हम वहां पर काम कर रहे हैं, घोड़े की एक फाइट का सीन था, सिंगल था, तो मैंने देखा कि वहां एक अजीबोगरीब आदमी सा आके खड़ा, कहा जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, और मैं अपने काम में मसरूफ रहा। तो फिर उसने कहा जी कि मैं आ गया जी, मैंने दसवीं सुनी। खातिनो हजरात, वो फकीर लंबे बालों वाला क्रू कट करवा के, फौजियों वाली हिजामत नहीं होती, बुशर्ट पहन के, लंदे से जीन्स खरीद के, सारे मंटे उतार के, सारी मुंदरिया उतार के, एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए नौजवान लौंडा बन के आ गया। कहने लगा मैंने तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ये तूने क्या। उसने कहा जी शूटिंग करनी थी, कोई बंदे हमने बड़े बड़े एक्टर देखे हैं, पास संतोष सिंह देखा, पास वीर देखा, तो मैं भी कम से कम मुझे तो विलायत का चांस मिल रहा है, तो मैंने सारा बहाना उतार दिया। जब सीनियर दांडी आए और उन्होंने देखा, मैंने कहा सर ये इल फकीर हो, तो पहले तो उन्होंने जोर जोर से उसके सीने में धोतड़ मारे, फिर जमीन पर बैठ के दबड़ 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 पीटा, फिर मुझे मारे 2-4-5, फिर अपने आप को पीटा और इतनी तकलीफ में उतला गए। कहने लगे कि ये क्या गदा आदमी है, ये क्या किया इसने। तो खातिन हजरात, हम इस तरह से करते हैं कि अपने आप को पाक साफ करने के लिए उस फकीर की तरह से हम एक हर वक्त यही कोशिश करते रहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं, पाक हो जाएं, फिर अल्लाह की तरफ चलेंगे, अभी तो हम नेक ही नहीं हुए। अक्सर ऐसे ही होता है ना, बंदा सोचता रहता है कि जी मैं बस कल से नमाज शुरू करूंगा, फिर मैं सुबह उठा करूंगा, फिर मैं सैर के जाऊंगा, फिर मैं अपने अल्लाह से मिलूंगा। अल्लाह से मिलने के लिए अल्लाह से ही मिलना है, और जिस तरह के आप हैं उसी तरह का मिलना है, और उसी तरह के बंदे को अल्लाह ने प्यार करना है, और उसी तरह के बंदे को ठीक करना है। आपने आज तक कभी ये नहीं सुना होगा कि हॉस्पिटल में ये डॉक्टर साहब बैठी हैं, यहाँ कभी किसी डॉक्टर ने मरीज से ये कहा हो कि पहले जाके सेहतमंद होके आओ फिर तुमको वार्ड में दाखिल करेंगे,
ऐसे तो कभी नहीं पता ना, अगर सिर में धोके इसने आना है तो फिर वार्ड में दाखिल होने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो आपने ऐसे ही आना है, मेरा आपका यही डर है। और मैं तो खासतौर पर फंसा हुआ हूँ कि कैसे कोशिश करूं कि जब अल्लाह पुकार सार के कहता है कि मेरा जिक्र जरूर करो और मेरा नाम लेकर, देखो अल्लाह की मेहरबानियां देखें, मेरा नाम लेकर जिक्र करो तो अपना नाम भी बता दिए। एक ना एक बंदा छुपाता है अपना नाम, अक्सर पूछते हैं जी आपका क्या है जी, क्यों क्या बात है, किसलिए आप मेरा नाम पूछे, ये कहता है ना बंदा। अल्लाह ने छुपाया नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें एक नहीं अपने 99 नाम 99 दे देता हूँ, किसी को लेके कुछ जिक्र करते हो, मैं तुम्हारी बात की आवाज पुकार सुनूंगा और जवाब दूंगा। और मुझे बताते हैं बताने वाले, जो बंदे थे अच्छे नहीं थे लेकिन हौसला करके वक्त निकालते, सबसे मुश्किल काम उसमें वक्त निकालने का है, वक्त निकाल के अल्लाह की कुर्बत में चले गए ऐसे ही दिन में थोड़ा सा वक्त, और उसके साथ अपनी बातें हॉटलाइन पे, मोबाइल तो आजकल ही चला है अल्लाह वाला, मोबाइल तो बड़ी देर से चल रहा तो जी ये तकालीफ है और ये खुशी है। तो फिर वहां से जो पैगाम अहकाम मिलते रहे वो बहुत ऊंचे मदारिज तय कर गए, उनकी चेहरों पे आसानियां आ गई, उनकी जिंदगियों में, उनकी रूहों में बहुत बहुत कुछ फायदे उठाए। तो मैं आपसे ये अर्ज करने के लिए आया था, वो मैं चाहता था कि मैं जरूर बताऊं आपको कि आपके जो अरकान हैं इस्लाम उनको तो पूरा करना ही है, क्योंकि दायरे के अंदर दाखिल होने के लिए वो तो कुंडी है जो हम खोल के जाते, फिर अंदर जाके जो अल्लाह है हमारा, अब उसके साथ भी करनी है बात, अब नमाज के साथ भी बात, ज़कात के साथ, काद के साथ, सदकात के साथ, मामलात के साथ, लेकिन अल्लाह जिसने ये सारी इतनी बड़ी नेमत दी है उसे करें। मेरी जो अब उम्र, मैं जैसा पहले कह रहा था बहुत खराब सी हो गई, और अब मैं देखता हूँ कि इस उम्र में कुछ काम ज्यादा अच्छा होता नहीं है बंदे से। आप यंग हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियत दी है। मैंने तो मुझसे तो पूछे, मैंने पिछले 10 साल में सिवाय बूढ़े होने के और कोई काम ही नहीं किया, तो इससे तो कुछ नहीं आता, जब भी काम करना होता है यही नहीं हो सका। तो आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है और मैं ये चाहूंगा ताकि आपको एक उरूज पे चढ़ते हुए देखकर मैं भी आपसे कुछ दान दक्षिणा, कुछ खैरात लेकर आगे जाऊं, क्योंकि आपके पास ये खजाने मिलने वाले, आपके चेहरे बता रहे। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह Thank you.